हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ नीचे, और उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं डेड सी के लिए जाऊँगा, सी में घूमने के लिए। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा मृत सागर देखने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये मृत सागर, और ये जस्ट इसराइल और जॉर्डन के बीच में है ये। और आपको पता है ये अमीर सागर इसे क्यों बोलते हैं? इसे पता नहीं है, उन्हीं में बोल देता हूँ कि ये अमीर सागर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जीव जंतु नहीं पाया जाता है, जैसे कि दूसरा सी होता है विदाउट सॉल्ट वाला, सॉल्ट तो फ्लॉड होती है सी में, तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब एक भी मतलब जीव जंतु नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे इसको अमीर सागर कहते हैं। और ये सागर बहुत अच्छा होता है, और यहाँ का जो हम इसे अब हम यहाँ पे नहाएंगे जो भी करेंगे तो स्किन के लिए, किसी का बोन्स प्रॉब्लम होता है उसके लिए, तो बहुत अच्छा होता है। काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है ये, यहाँ पे टूरिस्ट लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है दोस्तों। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में लास्ट तक। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्वीट मॉर्निंग, बहुत ही अन्य प्रकार के जेम्स आप ब्रेड में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किचन, लोग यहाँ पे स्पेशल जिसे कोई जिसको ऑमलेट चाहिए तो ऑमलेट सब मिल जाएगा यहाँ पे, वो तो बना के देते हैं। और ये रहा ब्रेकफास्ट प्रोविजन, और ये सलाद, बहुत प्रकार के सलाद, टूना सलाद, फिश सलाद, बहुत प्रकार के। और ये देखिए लोग बहुत ही बिजी हैं, सब ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये ब्रेकफास्ट करते हुए लोग ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हुए देखिए। और प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मुझे एक ऊर्जा मिलेगी ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो प्लीज़, और आगे भी नया नया ब्लॉग आते रहेगा। नहीं, यहाँ देखिए सब ब्रेकफास्ट के सामान, और ये यहाँ की चीज़ बहुत ही प्रकार की चीज़, यहाँ देखिए सलाद। और देखिए लोग काफ़ी बिजी हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, ये देखिए मैंने मेरे प्रकार की चीज़, ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों फिर से आप सभी को फिर स्वागत है चैनल में, और अभी मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ जस्ट, और मेरा जस्ट ही मेरे डाइनिंग रूम के ऑपोजिट में स्विमिंग पूल है बाहर की तरफ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्विमिंग पूल का नज़ारा दिखाता हूँ, कितना प्यारा और कितना सुंदर है, कितना साफ है। और इसके बाद मैं मृत सागर की ओर जाऊँगा, डेड सी की ओर। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। थैंक यू। ये तो जैसा स्विमिंग पूल है, कितना खूबसूरत है, कितना साफ़ सुथरा है। और ये स्विमिंग पूल इसी होटल का है। अच्छा है घूमने फिरने के लिए, साफ सुथरा जगह स्विमिंग करने के लिए, और भी खूबसूरत महिलाएं स्विमिंग के लिए जाते हुए, और हमारे ओल्ड दादाजी किताब पढ़ते हुए लाइफ का एंजॉय लेते हुए। यहाँ देखिए, और मैं होटल के बाहर, होटल से बाहर जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए आप दूर, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे सी के पास स्विम करने के लिए, और नमकीन पानी है ये, और ये सब यहाँ पे पार्किंग रखा हुआ है आप लोगों को नई नई जगह दिखाने के लिए।
यहाँ से, और ये होटल के बहुत ही नज़दीक है। जो सी है, जो सॉल्टी सी है, वो बिल्कुल नज़दीक है। और ये अरे परे होटल ही होटल होटल। और देखिए ये रहा डेड सी। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं, पर यहाँ पे बहुत गर्मी है। यहाँ पे टेम्परेचर अबाउट 45-44 इतना है टेम्परेचर। काफ़ी हॉट टेम्परेचर है यहाँ पे। ये पूरा सॉल्टी है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी। ये देखिए, ये जो अभी देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, ये सब सॉल्टी है, सॉल्ट आप देख रहे हो। और देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जो जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब होटल है। और ये देखिए, ये सॉल्टी। हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ इसी के अंदर। और ये देख रहे हैं आप, ये पूरा नमक है, ये पूरा नमक आप देख पा रहे होंगे। खूबसूरत नज़ारा पानी के अंदर, डेड सी। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो वाइट दिख रहा है, वाइट ये सब नमक है। आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, पूरा नमक। वाह, पूरा नीचे से पूरा नमक महसूस हो रहा है, पूरा नीचे से। जैसे हम लोग कहीं गांव के जो नाले में जब हम स्विमिंग करते हैं, तो नीचे से पत्थर होता है ना पैरों में, जब महसूस होता है, वही सेम यहाँ पे पत्थर की जगह नमक महसूस हो रहा है। पूरा में डूबते भी नहीं। यहाँ देखिए, आप डूबने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं डूबे गए। ये पानी आपको ऊपर ही लाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये मुझे बचपन से ही स्विमिंग करना बहुत पसंद है। बचपन से ही पानी में जाना, पानी में स्विम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। और नीचे से बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इतने बड़े बड़े। देखिए अभी देख पा रहे हो, इस खम्भे में भी देखिए वाइट वाइट, ये पूरा सॉल्ट। यहाँ देखिए, देखिए, पर अच्छा है। और इस पानी के अंदर कुछ भी जीव जंतु नहीं होते हैं, तभी इसे डेड सी कहते हैं, क्योंकि एक भी जीव जंतु नहीं है इसके अंदर। और ये सॉल्टी है, तो वो तो डेफिनेटली कोई भी जीव जंतु नहीं होंगे। ये दूसरे सी के, दूसरे सी से पूरी अलग है सी है ये, इसलिए तब डेड सी नाम रखा गया हुआ है। ये देखिए, ये डूबना चाहे भी नहीं डूब पाते। यहाँ देखिए कैसे मज़े से तैर रहे हैं, तैरने का ज़रूरत भी नहीं है, जो पानी के ऊपर पूरी बैठते हैं। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और ये डेड सी के नज़ारे कैसे लगे, जो पहले आए हो यहाँ पे और जो पहले नहीं आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपका व्यू ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा। और ये है लाइफ गार्ड भेजने के लिए, लाइफ गार्ड, कहीं कोई डूब गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये लोग तुरंत ही आ जाते हैं हेल्प के लिए। और यहाँ पे हर 100 मीटर के पास एक एक लाइफ गार्ड होते हैं। इसे छोटा छोटा घर बनाया होता है स्पेशल। देखिए लोग कैसे मजा कर रहे हैं, फैमिली, बच्चे, सब रस्सी का एंजॉय लेते हुए। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए,
और ये देखिए अभी देख पा रही हो जो ये कपल्स ने जो बॉडी में ब्लैक चूना टाइप का लगाया हुआ है, बोलते हैं ये चूना बॉडी में लगाने से अच्छा होता है। हाँ देखिए वहाँ पे दूर लोग कितने स्विमिंग करके कितने मज़े से। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। हेलो, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे डेरसी में, तो इसलिए मैं बैक टू होटल की ओर जा रहा हूँ, तो काफ़ी बाहर बैठना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मुझे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा इस व्लॉग में, थैंक यू। अब मैं पहुँच चुका हूँ होटल में, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमेशा इस चैनल को आपका प्यार दीजिएगा। थैंक यू।